हम इस समय सेक्टर 24 में हैं, जहां आप देख सकते हैं संजय टंडन और बीजेपी की तमाम लीडरशिप यहां पर मौजूद है। सेक्टर 17 जाकर वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। गाड़ियों का लंबा काफिला बीजेपी के समर्थक ढोल नगाड़े बजाते हुए यहां पर मौजूद है। कार बाइक रैली यहां पर, महिलाएं भी यहां पर झंडे लेकर, जिस तरह से देखिए तस्वीरें हैं संजय टंडन की, और लगातार सवारी देखिए डालकर देखिए, तमाम जो लीडर हैं संजय टंडन यहां पर मौजूद हैं और बीजेपी के लीडर संजय टंडन पूरी लीडरशिप के साथ यहां पर मौजूद हैं। संजय टंडन जी के अनुजन जी के यहां पर तमाम लोग जो हैं, संजय टंडन जी आप देखिए यहां पर तस्वीरों में लीडरशिप यहां पर मौजूद है और लगातार यहां पर तो इसके देखेंगे यहां पर के तमाम जो लीडर हैं संजय टंडन और उनके पीछे गाड़ियों का काफिला। ये वो गाड़ी है सैफ्रॉन कलर की, जिसमें संजय टंडन नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे यहां पर। और तमाम जो लीडरशिप है इस समय भारी भरकम काफिले के साथ संजय टंडन, उनकी पत्नी, उनके परिवार के लोग यहां पर हैं। ये देखिए दर्शकों का जो कहते हैं कि जिस तरह से आपने मैच में देखा होगा, लेकिन आज बीजेपी के जो दर्शक हैं वो यहां पर मौजूद हैं और तमाम जो लीडर्स हैं उनके बेटे और उनकी बहू यहां पर आपको देख रहे होंगे कि पूरे गाड़ियों का लंबा काफिला संजय टंडन के समर्थन में पूरे शहर में लंबा काफिला है। पूरे आप दूर दूर तक तस्वीरें देखेंगे संजय टंडन के साथ, तो वो आप यहां पर तस्वीरों के साथ देखेंगे और आगे आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लंबा काफिला इस समय यहाँ पर, और ये कैमरा मैं कहूंगा संजय टंडन की जो पुत्र वधु हैं वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगी। ये उनके पुत्र वधु हैं और उनका जो बेटा है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। पूरा परिवार जो यहाँ पर लगा हुआ है, बात करेंगे। आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? आपके फादर इन लॉ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, आप देख ही सकते हैं। सबका आंसू लेके हम सब एक ही सब कहना चाहते हैं कि विजय भवा। तो देखा, ये संजय टंडन की जो बहू हैं वो हैं और उनके जो बेटे हैं वो इस गाड़ी में काफिले, उनका परिवार है यहाँ पर, और ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस समय बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सपोर्टर संजय टंडन के नॉमिनेशन में फाइल करने के लिए इस समय आपको नजर आ रहे होंगे। और 12 बजे नॉमिनेशन का समय है, हालांकि जो लेट होता दिखाई दे रहा है, और भी बात करने की कोशिश करेंगे। चंडीगढ़ की जनता पूरा काफिला जो है प्यार करती है, पूरा जो काफिला है नॉमिनेशन में उनको आशीर्वाद देने फूल बरसाकर संजय टंडन का स्वागत किया जा रहा है। 24 सेक्टर में बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं कोशिश करेंगे संजय टंडन से बात करने की। बाकियों को भेज दो नीचे भाई, जहाँ पे पहुँचे हैं आशीर्वाद देने। जो बोले मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री और संजय भाई जी को आ जाओ नीचे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगा, भी जीतेगा। टंडन जी आपकी बात, टंडन संजय जी यहीं बुला लो, बस ऐसे ही कर लेंगे। जोशी भाई यही बुला लो, चलते थे 2 मिनट करके फिर निकल जाएंगे हम बस। भाई बाय टू आशीर्वाद यात्रा जिसमें हमारे चंडीगढ़ भाजपा के युवा नेता बड़े भाई भाई संजय टंडन जी आप सबके आशीर्वाद से नामांकन पत्र इस शुभ दिवस अक्षय तृतीय के दिवस में भरने प्रत्याशी है। एक सेकंड के लिए बस।
हेलो हेलो चलो चंडीगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी संजय टंडन पूरे लाव लश्कर के साथ नॉमिनेशन फाइल निकल चुके हैं। संजय जी मौजूद हैं। संजय जी आज पगड़ी डाल ली है, 4 जून का इंतजार है सबको भारतीय जनता पार्टी के। अभी तो हम 1 जून के लिए मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से ही 4 जून सफल होगी। सारे हमारे कार्यकर्ता आज इकट्ठे मिलकर हम नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लगभग हमारा जो जुलूस है अभी 23 सेक्टर तक पहुंच गया है, लेकिन उसका जो पिछला हिस्सा है अभी वो 36 सेक्टर को क्रॉस कर रहा है। लगभग सैकड़ों के नंबर में गाड़ियां, हजारों के नंबर में लोग वो हमारे समर्थन में हमारे साथ चल रहे हैं। क्या फीडबैक अभी तक मिला है? असली जंग अब शुरू होगी, लास्ट के 20-22 दिन है जो ये जो जंग होती है वो तो हमारा जिस दिन से डिक्लेयर हुआ उसके बाद से चालू हो चुकी है, और हम जन जन के बीच पहुंच रहे हैं, और हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी को श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जन समर्थन अभूतपूर्व है। तिवारी जी बार बार चुनौती देते हैं, आप भी जवाब देते हैं। तिवारी जी किसी भी बात का जवाब देने से कतराते हैं। जब उनको पूछो भाई साहब आप भगौड़े क्यों बने, वो जवाब नहीं देते। जब उनसे पूछो कि आपने G23 में साइन क्या किया था, वो जवाब नहीं देते। जब उनसे पूछो कि आपने लुधियाना क्यों छोड़ा, आपने आनंदपुर साहब क्यों छोड़ा, वहां पे गुमशुदा की तलाश के वहां पे पोस्टर लगे हैं, आप कोई जवाब तो दो। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 10 साल की जो सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिया है, क्या आप अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं दे सकते?